गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज राज। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। और आज का ब्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही हूँ बराडा से, जहाँ मैं स्टडी करती हूँ। मिस्टर राज आ गए हैं पढ़ा के, तो ये पिछले ब्लॉग में हम कच्चा बादाम कर रहे थे, इस ब्लॉग में ये कच्चा बादाम कर रहे हैं। तो अभी जा रही हूँ सब कपड़ा को थोड़ा ठीक कर लेने, क्योंकि दो दिन बाद हमारा एग्जाम भी है और उसके बाद से तो क्लास चलेगी। देखते हैं क्या होता है, कैसे मैनेज कर पाएंगे। क्लास को भी देखना है और साथ ही साथ वीडियो भी बनाना है। तो पहले हम कपड़े को ठीक कर लेते हैं, देखते हैं कितना गंदा कपड़ा है जो जिसको धुलाना है। मिस्ट्रेस तो वैसे दे देंगे धो भी क्या है, क्योंकि ऐसे ही हम कुछ कुछ कपड़ा धो लेते हैं, लेकिन कुछ कपड़ा तो अभी ऐसे ही नहीं धोएंगे, क्योंकि यार मेरा तो एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी करनी है। और वो जबकि मैं एनाटॉमी पढ़ती थी तब का है। चलते हैं किचन में। यहाँ तो आप लोग पहले इसमें यहाँ तावल डाले हुए हैं और ये सारा सामान हमारा ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। मैं ऐसे ही छोड़ दी हूँ ताकि इसको एकदम अच्छे से टाइम में ठीक करूँगी। बाकी किचन में चलते हैं, तो किचन में सारा सब्जी ख़त्म हो गया, तो सब्जी वगैरह हम लोग लेके आए। यहाँ पे प्याज है एंड अभी बर्तन थोड़ा सा है, दो ही आदमी है तो बर्तन धोना पड़ेगा। चलते हैं किचन से पहले पूजा रूम में। मैं आती ही मेरे भगवान से आप लोग मिल सकते हैं। आज मैं यहाँ आता थे तो पहले सुबह सुबह बाल धो के नहाई और पूजा की। पूजा करने के बाद मन कुछ अलग ही शांत हो जाता है, मतलब शांति मिल जाती है। पहले इस कपड़े को बाहर निकाल देते हैं। फाइनली जितना सारा सामान था उसको मैंने सही कर दिया, साफ सुथरा बिल्कुल कर दिया। इनका सामान कितना अजीब तरीके से रखा हुआ था, फिर मैंने सब सही कर दिया। फिर अब मैं ला रही हूँ थोड़ा किचन में, किचन में थोड़ा सा बर्तन है, बस बर्तन साफ करके आती हूँ, फिर से देखती हूँ क्या करना है। इसके बाद तो मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी। आज है रोज डे और अभी मिस्टर राज को हम जा रहे हैं रोज देने के लिए, रोज देने के लिए। तो ये देखिए कैसे फ्लैश लाइट जला के सोए हुए हैं। हैप्पी रोज डे सना। थैंक यू सनी, थैंक यू। हम लोग को टाइम ही नहीं मिला, ये भी चले गए थे पढ़ाने, मैं भी यहाँ पे काम कर रही थी कुछ कुछ, उसके बाद पढ़ने की तैयारी कर रही थी अभी जस्ट। और गाइस गुलाब की जो खुशबू है ना, कतई चाहे महक ही नहीं रहा। ये गुलाब का फूल बहुत अच्छे से पैक करके दिया है ना, बहुत प्यार होता है इस गुलाब के फूल में। गुलाब का फूल वाइट कलर का भी होता है तो वो दोस्ती का निशानी होता है, लेकिन जो इन गाइस जो रेड कलर का होता है ना, ये है प्यार की निशानी। प्यार प्यार प्यार। हाँ मेरा गर्दन दबा दिया। ना मैं मरने दूंगा ना मैं जीने दूंगा। ये शादी का वो मतलब शब्द होता है, शादी का पर्यायवाची, ना जीने दो ना मरने दो, पर्यायवाची शब्द औरत का आप लोग जरूर कमेंट करना, ठीक है। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या किया जाए, जा छोड़ दिया मैंने, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। सिमरन नहीं, मनीषा मेरा नाम है, सिमरन मेरी फ्रेंड का नाम है। गाय जी सपना मेरी फ्रेंड को देख रहे हैं तभी बोल रहा है सिमरन। यही काम बचा हुआ। गाइस तो अभी मिस्टर राज गेम खेल रहे हैं और मैं जा रही हूँ नेल पेंट जो है ना, इस थोड़ा थोड़ा लगा इसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि कॉलेज जाते टाइम ना वो जब हाथ में नेल पेंट होता है तो चेक करते हैं। मैं तो चलो लगाती हूँ, बाकी क्लास के बहुत सारे बच्चे लगाते हैं तो टीचर सबको डांटते हैं, मेरे को भी डांटते हैं कि ज़्यादा नहीं लगाने के लिए, क्योंकि इसका रीज़न भी है क्यों डांटते हैं। नेल पेंट तो लगा सकते हैं बट जब पेशेंट चेक करने जाते हैं ना तो उसमें नेल पेंट जो होता है ना कहीं कभी कभी उसमें निकलने लगता है, तो इसलिए डांटते भी हैं सर। बाकी ये गेम खेल रहे हैं गाइस, तो ये अभी मिस्टर राज उठ गए हैं। गुड मॉर्निंग, आज है आपका 8 फरवरी, आज कौन संडे है। सुप्रभात में अभी मैं आराम ही कर रहा हूँ, मैं सोचा था कि उठ के मनीषा को कॉलेज वगैरह ले जाऊंगा, लेकिन रात को इतनी खतरनाक नींद आ रही थी, आई थिंक ड्राइविंग का असर रह गया थोड़ा बहुत हमारे वीडियो में। हाँ। किधर आ रहे हैं? इधर। अच्छा बीच में ये लैपटॉप दिख रहा है। हाँ। और लैपटॉप पे भी बहुत सारा काम करना था एक्चुअली। जो मेरा फेसबुक पेज था वो पिछले 40 दिन से
मैं उस पर कुछ वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था, तो फेसबुक इंडिया से का मैं मतलब पार्टनर हूँ, तो वहाँ पे बातचीत हुई मेरी, तो पता नहीं कैसे अब कल रात को मेरा मतलब रिजॉल्व हो गया इशू और अपने आप मैं वीडियो पोस्ट करने लगा। तो पता नहीं ऐसे ऐसे भी कंसर्न होते हैं। और लास्ट 35 डेज से सोचो मैं वीडियो पोस्ट ही नहीं कर पा रहा था, ना मैं कोई पोस्ट भी पोस्ट कर पा रहा था अपने पेज पे। एनीवेज सब कुछ शॉर्ट हो चुका है और अभी मनीषा जाएंगी खाना पीना बनाने, फिर उसके बाद कॉलेज जाना है, कॉलेज से कपड़े लाने हैं, वहाँ पे धोबी को हमने दिया हुआ है। अभी मैं चलती हूँ किचन में, आटा भी सान कर रही हूँ, जैसे मैं उठेंगी तब तक मैं उनके लिए बना दूंगी क्या रोटी, और यहाँ दाल भी बन गया है, बन रहा है चावल, आपने चावल और सब्जी को मैं दिखाती हूँ। सब्जी सबसे मस्त आलू बीन्स की सब्जी है ये, तो कितने लोगों को आलू बीन्स की सब्जी पसंद है आप लोग जरूर कमेंट करना। अभी मैं भी थोड़ा फ्रेश होने जा रही थी, फिर लाइट भी नहीं था और गीजर चल ही नहीं रहा था, तो अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ। तो बाहर का मौसम चलिए दिखा देते हैं आप लोग को, मैं भी देख लेती हूँ। बाहर का मौसम तो आज बहुत ही अच्छा हुआ है, धूप भी हुआ है और हमारी कार यहीं पर है। ये है मौसम यहाँ का नज़ारा, ये तो पूरा भर गया था जब दीदी जीजू आए हुए थे, रह रहे थे तब तक। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, किचन में खाना बनाने पे ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि ऐसे वैसे हो जाएगा, मतलब चावल गीला हो जाएगा। तो गाइस नया सवेरा है, नया ब्लॉग भी आना चाहिए है कि नहीं, इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा सा मनीषा का मेहनत किया हुआ ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो में और क्या आप चाहते हैं। कुछ लोगों ने प्रैंक कमेंट किया था, तो वो भी जरूर, वो तो अचानक होता है जब बताया नहीं जाता, तो वो भी जल्दी देखेंगे। और बस चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी को खूब सारा प्यार और स्नेह, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में मुस्कुराते हुए नए चेहरे के साथ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। इंस्टाग्राम आईडी है राज मनीषा सचिन, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर लें ताकि आपको और भी अच्छे से छोटे छोटे रील्स, छोटे छोटे वीडियोज़ वहाँ पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल, गुड बाय।